Hi everyone, welcome back to my channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के दौरान चाहिए पड़ेंगे। तो आप वो सभी डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिएगा। अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, जैसे भी पोर्टल्स ओपन होंगे मैं धीरे धीरे करके जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको देती जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिस्ट आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, मैं फटाफट से, बहुत शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपके पास में डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। यू आर कैटेगरी, ई डब्ल्यू एस यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है वो, फिर एस सी एस टी और ओ बी सी। जनरली ये चार कैटेगरीज है जिनमें आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये यानी सभी को पड़ेगी। तो वो आपको पहले तो मैं कॉमन डॉक्यूमेंट्स बता दूँ, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो हर कैटेगरी को चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से आपको ये चाहिए, आपकी टेंथ की मार्कशीट, ठीक है। ध्यान रखना भाई, इसमें जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका खुद का नाम जो है बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो, ध्यान रखना। नहीं तो आप बाद में बोलो कि जो है हमारे टेंथ की मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेंथ की मार्कशीट और स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, फिर ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए आपको, आपके बैचलर्स की डिग्री चाहिए आपको, डिग्री और मार्कशीट, ठीक है, पूरी की पूरी आपके पास में डिग्री हो। कई बार डिग्री नहीं मिलती है तो एक चीज करा सकते हो कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आप अपने यूनिवर्सिटी जाके प्रोविजनल डिग्री बन जाती है, वो जल्दी बन के मिल जाती है, प्रोविजनल डिग्री बनवा लो, ठीक है, प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी, उससे काम चल जाएगा। तो प्रोविजनल डिग्री और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, जितनी भी आपके सेमेस्टर हुए उनकी मार्कशीट होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट का मतलब वही है, मार्कशीट्स का मतलब, जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो आपके पास में होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। फिर आपके पास में टीसी होनी चाहिए और माइग्रेशन होना चाहिए। तो ये सब आपको कॉलेज से मिलेगा, आपके कॉलेज जाओ, ये सभी चीज़ों के लिए अप्लाई करो और लेकर आओ। अगर डिग्री में टाइम लग रहा है तो प्रोफेशनल डिग्री बनवा लो। इसके बाद में आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ऐसा नहीं कि आपकी चार साल पुरानी फ़ोटो हो, एटलीस्ट सिक्स मंथ्स के क्राइटेरिया में आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें नेम हो, डेट हो और कुछ प्लेन फोटोज भी रखना जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है। फिर गैप सर्टिफिकेट, अगर आप ड्रॉपर हो, ड्रॉप हुआ है तो आपको जो है गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तहसील ही जाके जो है वहाँ पे आप जाके अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो गैप सर्टिफिकेट जरूरी है, उसमें रीजन मेंशन करना होता है कि फॉर एग्जांपल जो है मैंने सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, या फिर जो है कोई मेडिकल इश्यूज थे इन कारण से, जो कुछ भी कारण, या फैमिली में मेडिकल इश्यूज थे इस कारण से मेरा गैप हो गया, तो गैप सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना पड़ता है, चाहिए है, कंपलसरी है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जो है एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा ना। और रिमेंबर, ये सर्टिफिकेट आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, कोशिश करो लेटेस्ट वाला हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि चार पाँच साल पुराना है आपका सर्टिफिकेट, वन ईयर जो है एटलीस्ट जो है आपका सर्टिफिकेट कई यूनिवर्सिटीज़ में लिखा है 2021 के बाद का होना चाहिए, कई में लिखा है कि आपका जो है 2023 का होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना क्राइटेरिया दे रखा है। तो भाई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है, और लेटेस्ट बनवा लो भाई, स्टेट का सेंट्रल का जो भी मांगा गया है वो आप बनवा लो, वो रेडी करके रख लो, क्योंकि आपको चाहिए पड़ेगा काउंसलिंग में। और अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको यूआर में डाल देंगे, आपको ये कंसिडर नहीं करेंगे। सेम इज विद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस वालों को तो लेटेस्ट चाहिए भाई, एक साल का, एक साल से पुराना है तो नहीं चलेगा। तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस वाले वो तो अपना लेटेस्ट लेकर आओ, नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं माने जाओगे, सिंपल। फिर आता है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र, एक साल से पुराना होगा तो नहीं चलेगा।
तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें आपकी इनकम मेंशन है, ये आपके यानी आपके फैमिली की फादर की इनकम, ठीक है। फिर आधार कार्ड लेकर आओ, बिल्कुल गड़बड़ ना हो, नाम सही हो, फोटो सही हो, सब कुछ सही हो। फिर EWS सर्टिफिकेट, वही मैंने बता दिया, EWS सर्टिफिकेट वही है आपका जो इट कैटेगरी है उसके हिसाब से। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये ज़्यादातर मांगे नहीं जाते, लेकिन फिर भी जो है कई बार सिर्फ वेरिफिकेशन करने के लिए कि आपकी आइडेंटिटी वगैरह प्रूफ के लिए कई बार निवास प्रमाण पत्र और जो है जन्म प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मीन्स निवास प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट मीन्स कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट मीन्स जन्म प्रमाण पत्र, तो ये दोनों कई बार मांग लेते हैं, तो एटलीस्ट पास में रखो, है ना। डेट ऑफ बर्थ के लिए कई बार मांग सकते हैं आपका, तो ये रेडी रखना। नेक्स्ट फिर आता है जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं, ये तो जनरली सबको जो मैंने बता दिए डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी वालों को भी, कॉमन डॉक्यूमेंट्स वाले भी, वो सब बता दिए। अब अगर मान लो आपका स्पोर्ट्स कोटा है, NCC है, NSS है, तो भाई सारे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ही यहाँ पे माने जाते हैं, बाकी के नहीं माने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इन लेवल के कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। वो भी ओपन गेम्स, SGFI, ठीक है, ऑल इंडिया गेम्स, ऑल यूनिवर्सिटी गेम्स, ये वाले गेम्स माने जाते हैं, क्लियर है। जोनल नहीं माने जाते हैं, कोई भी जोन हो, जोनल गेम्स नहीं माने जाते हैं। फिर NCC सर्टिफिकेट चाहिए और NSS सर्टिफिकेट चाहिए, जिस भी लेवल का आपके पास में है वो आपके पास में होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है डिफेंस कोटा, अगर आप डिफेंस कोटा वाले हो तो आपके पास में रिलेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो रेडी करा लेना। रिलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, पता होना चाहिए कि आप डिफेंस कोटा वाले हो तो क्या रिलेशन रहा है आपका, वो दैट्स इट। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, रेडी कर लो, अभी भी टाइम है, यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको उसमें जो है रेडी करके रख लेने हैं, क्योंकि आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करोगे, वेरीफाई होगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको ऑफलाइन हार्ड कॉपी लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो तैयार कर लो, पुराना है तो रिन्यू करवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, स्पेशली ये तीन चीज़ें रिन्यू करा लो, नया बनवा लो, क्लियर है। आधार कार्ड में अगर कोई गड़बड़ है, फोन नंबर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट करा लो, वो तो ऑब्वियसली होगा, फॉर्म भरते टाइम में आपने डाला होगा, तो वो सब करा लो, रेडी करके रखो। स्पोर्ट्स कोटा वाले अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखो, कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं मिला तो जाके मांग लो सर्टिफिकेट, NCC NSS वाले भी अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखो, और डिफेंस कोटा वाले रिलेशन सर्टिफिकेट रेडी रखो। इज दैट क्लियर, यही अपडेट था, यही आपको चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी यहाँ पर आपको एकदम एक्यूरेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।